ऑफ कोर्स वीपीएन तब ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हुआ है जब ट्विटर बंद हुआ है बट कैन यू एक्चुअली टेल अस ऑल कि वीपीएन तो बहुत पुराना है और लोग इसे बहुत अरसे से यूज़ रहे हैं। हम uh, क्या कहें कि हमारी मजबूरी ऐसी है कि हम इसको यूज़ तब करते हैं जब हमारा सोशल मीडिया बंद किया जाता है हमारे नेटवर्क बंद किए जाते हैं बट अगर हम इसके अलावा वी पी एन के यूज़ेज देखें द बेनिफिट्स दैट इट हैज़ वट आर दो देखो वीपीएन किसी वजह से यूज होता है ठीक है या तो आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जिनका अपना कोई प्राइवेट वीपीएन है वो आप को उन्होंने अपने सर्वर्स में रिमोट एक्सेस देना है उन्होंने अपना एक वैन बनाया हुआ है वो नहीं चाहते कि उनकी ट्रैफिक इंटरनेट पे जाए तो वो उनका एक वीपीएन होता है वो अपना वीपीएन आप फ्री लांसर हैं और आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उनका एक प्राइवेट वीपीएन है रे. वो होता है फिर दूसरे तरह के पब्लिक वीपीएन होते हैं जिसमें आप जो है वो यूज करते हैं जब आपका कुछ ब्लॉक होता है कोई आप चीज उस कंट्री में नहीं एक्सेस कर पा रहे आपने कहीं और बाहर से सर्वर आए तो आप वीपीएन लगा लेते हैं कर लेते हैं यूज उस वो चीज़ें एक्सेस करने के लिए mm. जो कि अदरवाइज उस मुल्क में या उस जगह mm. में आपके एरिया में ब्लॉक्ड है mm. um, तो इसीलिए आप वी यूज़ करते mm. हैं दूसरा mm. ये है कि आपकी जो चैट है वो या जो भी आप वी जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो सब कुछ इंक्रिप्टड आप एक प्राइवेट टनल में से जा रहा होता है इंक्रिप्टड right. होता है ठीक है तो आपने किसी के साथ कोई कोई आप यू you नो know, कोई बिजनेस कर रहे हैं एंड यू वांट इनक्रिप्टिड मगर देखिए वी कंपनी जो है वो इंक्रिप्ट करिए उसके पास तो एक्सेस है फिर भी आपके कंटेंट का तो पास सारा कोई ट्रस्ट वर्दी वीपीएन प्रोवाइडर uh, होना चाहिए ऑब्वियसली आपने हमें बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स यू हैव गिवन अस अ लॉट ऑफ इनसाइट इन योर वर्क आईटी से रिलेटेड हमारे सवाल आते हैं बट आई एक्चुअली वांट टू नो के एज अ वुमन आप जितनी भी खुतिन हमें सुन रही हैं जो आपकी जर्नी को सुन रही हैं आप आपका काम देख रही हैं आप उनको ऐसा क्या पैगाम देना चाहेंगी सबसे पहले तो मैं जब औरतों के इंटरव्यूज करती हूँ बहुत सारी लड़कियों को मेन्टोर करती हूँ तो मैं जनरल जो एक चीज देखती हूँ थोड़ी सी हिस्ट्री जर्नलाइजेशन है मगर जो ज्यादा मेजोरिटी देखती हूँ मैं देखती हूँ कि औरतों में कॉन्फिडेंस कम होता है मर्दों से कम कॉन्फिडेंस होता है अपनी जो एबिलिटीज होती हैं अपनी सलाहित होती हैं उनको बहुत मेजर करके बहुत कम करके बता रही होती हैं uh, जब निगोशिएट करने पे आती हैं तो बहुत हार्ड निगोशिएट नहीं करती uh, उनको अपनी वर्थ नहीं पता होती तो ये मत करें अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें अपने अंदर आप जो है वो किसी भी से कम नहीं है किसी से कम नहीं है तो अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करें दूसरा ये कि अपने प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज़ ना करें किसी के लिए किसी की खातिर आपकी पर्सनल स्पेस में कोई आ रहा है बड़ा पावरफुल है आपको लगता है यार मैं इसको अपनी पर्सनल स्पेस में नहीं आने दूंगी तो ये मुझे डिस्ट्रॉय कर देगा ये कर देगा वो कर देगा या अपने तो वो ना करें ठीक है आपका रिस्क अल्लाह ने लिखा है और आपको मिल के रहेगा तीसरा ये कि अपने चार्म यूज़ करके जो है वो अपने करियर में आगे मत डोंट डू दैट दैट एंड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज आपकी रेपेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल एसेट शॉर्ट टर्म में शायद आपको कुछ गेन हो जाए लॉन्ग टर्म में यू लूजर इन द लॉन्ग रन यू बिग लूजर तो इसलिए डोंट मैं लड़कियों को बार बार एडवाइस करती हूँ डोंट डू दैट फिर ये के, um, अपना ओपिनियन व्हेन यू नो जब लड़कियां बैठी होती हैं बहुत सारी मीटिंग्स में बैठी होती हैं बहुत अच्छी बात उन्हें करनी होती है मगर वो अपने आप को रोक लेती हैं बी ओपिनियेटेड इट्स नॉट कोई इसमें कोई गलत बात नहीं, नहीं है बी ओपिनियेटेड एंड बी वॉइस अपनी अपनी वॉइस योर ओपिनियन ठीक है बी, अप, हाँ, बी वोकल बी वोकल अपना ओपिनियन उसको वॉइस करें जरूर और बताएं लोगों को और अपनी राय जरूर दें क्योंकि वो काफी वैल्यूबल भी हो सकती है जिन लड़कियों की शादी हो जाती है ये मत एक्सपेक्ट करें कि आपका जो शोहर है वो अब आपको कंप्लीट कर देगा इंसान को कंप्लीट अल्लाह ही करता है अल्लाह ही इंसान को होल बना सकता है हम औरतें बेचारे शोहरों पर इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन डाल देती है कि बस नाइट एंड शाइनिंग आर्मर आ गया और ये हर तरह का मुझे हर तरह की चीज ये दे देगा बस मुझे उस बेचारे के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है, है। उसमें डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं मेन आर्ट यू नो एबल टू लिव अप टू दो एक्सपेक्टेशंस तो वो एक्सपेक्टेशंस uh, एक तो uh, गलत हैं दूसरा ये कि अपने आप को बिल्कुल ही सर्व कर देती हैं हाँ। पूरी जिंदगी बस उसके घुमाना उसके उसके शुरू कर देती है तो वो भी बिल्कुल uh, गलत है यू नो यू हैव योर ओन पर्सन डोंट लूज यूर अब जब आप रिलेशनशिप में जाते हैं वो रिलेशनशिप ज्यादा 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 खूबसूरत होगा 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 लॉन्ग लास्टिंग उसमें लव अगला बंदा जब आपको देखेगा कि आप इंटेलिजेंट हैं आपका भी ओपिनियन है आप भी एक थोड़ा सा चैलेंज है आपके वो आपसे इंस्पिरेशन ले सकेगा दैट पर्सन विल बी मोर इंटरेस्टेड इन यू इन द रन एज वेल ठीक है तो आप जो है वो अपना एक अपनी शख्सियत उसको hmm. बरकरार रखें hmm. अपने आप को पूरा बिल्कुल माइनस ना दें किसी के लिए ठीक yeah. है ये एडवाइस uh, है तो इस तरह की जो है वो uh, यही मेरी लड़कियों से एडवाइस होगी कि बी स्ट्रॉ बी ब्रेव बी कॉन्ट्सो

Hmm. ना मैंने किया क्योंकि उस वक्त मुझे जरूरत नहीं थी hmm. तो आई कैप प्राइवेट मगर मैं तब सामने आई जब मैंने एक ऐसी ऐप लॉन्च की जिसमें मुझे दुनिया को बताना था hmm. कि ये आ, है जाहिर है बी टू सी प्रोडक्ट है और बी टू सी प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा मार्केटिंग चाहिए होती hmm. है दुनिया को बताना होता है फिर ही yeah. ज़्यादा दुनिया उसको अडॉप्ट करती है hmm. तो वो मेरी मजबूरी बन गया और मैं सामने मुझे आना पड़ा hmm. uh, तो उस वो वो रीज़न था मगर hmm. मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरी मेरी जो फैमिली है वो मतलब देखो Uh, जो बच्चे हैं या जो माय हस्बैंड uh, उसको बिल्कुल शौक नहीं है उसको बिल्कुल right. उसको पसंद नहीं है कि वो खुद पब्लिक उसको मुझसे कोई मसला नहीं है hmm. वो बहुत इंकरेज करता है मगर yeah. वो खुद पब्लिक आए में आए ही डजेंट लाइक दैट एट ऑल Uh, और मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं तो मैं उनके लिए right. hmm. 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 yeah. पब्लिक में आते हैं बहुत अच्छे लोग भी होते हैं hmm. आपके बारे में बहुत अच्छा भी कहा जाता है मगर ट्रोलिंग भी बहुत होती है बहुत आपको बहुत ज्यादा बहुत कुछ बहुत लोग कहते हैं मेरी तो बहुत थिक स्किन है मेरे बारे में जो मर्जी कोई कहते हैं मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ठीक है मगर बच्चों बच्चे सेंसिटिव होते हैं बच्चों के लिए मुश्किल होता है कोई आ, किसी के बच्चे के बारे में कोई उल्टी सीधी बात कर दे तो वो बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल